जनपद मैनपुरी के चंदेश्वर महादेव जी के मंदिर व भीमसेन मंदिर पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। मंदिरों पर पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था पाई गई। चंदेश्वर मंदिर पर थाना अध्यक्ष एलाउ श्री सुनील भारद्वाज द्वारा बताया गया कि हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खुद ही दुरुस्त पुलिस की व्यवस्था की गई है। मैनपुरी को कई जोड़ों में विभाजित किया गया है। कई थाना प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई है तथा महिला आरक्षी भी लगाई गई है। चंदेश्वर मंदिर पर मैं पुलिस फोर्स के साथ थे। उनका कहना था कि मैनपुरी में 3-4 मंदिर ऐसे हैं जहां अधिक भीड़ होने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस की व्यवस्था की गई है। भीमसेन मंदिर पर भी श्रद्धालुओं का प्रातः 4 बजे से ही तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं से बात करने पर बताया गया कि भीमसेन मंदिर की काफी मान्यता है और कल सावन का प्रथम सोमवार होने के कारण हम सभी लोग प्रातः से ही भीमसेन मंदिर पर दर्शन करने के उत्सुक थे। सावन के प्रथम सोमवार पर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? हमारे पुलिस प्रमुख श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैनपुरी में 3-4 मंदिर ऐसे हैं जो प्रमुख मंदिर हैं, शीतला देवी मंदिर, चांदेश्वर मंदिर और भीमसेन मंदिर है, जहां काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। तो आज के परिदृश्य को देखते हुए बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की है। कई थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी लगाए हैं और कई इंस्पेक्टर लगे हैं, महिला आरक्षी लगी हैं, जो विभिन्न तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में चार चौबंद हैं। कावड़ के व्यवस्था को देखते हुए रूट व्यवस्था भी हमने लगाई है। पूरे जनपद को महोदय ने जोन में विभक्त किया, फिर सेक्टर में और सब सेक्टर में विभक्त किया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद हो सके, किसी भी स्थिति से निपटने की। इसमें आप स्थान तैनात? मैं थाना अध्यक्ष एलाऊ हूँ और आज यहाँ ड्यूटी में ही आया हूँ चांदेश्वर मंदिर पर। आज मैं प्रभारी। थैंक यू। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।